सब्सक्राइब कीजिएगा तावीज़ात अमलियात चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ अपनी YouTube चैनल तावीज़ात अमलियात में। दोस्तों बहुत ही मुजरब तिलसुम है, इस तिलसुम को करने के बाद आपका महबूब हाजिर हो जाएगा। दोस्तों इस अमल को आप हफ्ते वाले दिन कर सकते हैं और आपने एक मुर्गी का अंडा लेना है, मुर्गी देसी होनी चाहिए और बाकी रंग जैसा भी हो मुर्गी का उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काली मुर्गी हो या फिर सफ़ेद मुर्गी हो उससे कोई मतलब नहीं। और वो अंडा मुर्गी ने हफ्ते वाले दिन दिया हो और आपने ये तिलसुम भी हफ्ते वाले दिन ही उसी अंडे पर लिखना है। तिलसुम दोस्तों आपको मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और तिलसुम के आखिर में जहाँ पर फलां बिन फलां अलाहुब फलां बिन फलां लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो सबसे पहले आपने अपने महबूब का नाम लिखना है, उसके बाद अलाहुब लगा कर अपना और अपने माँ का नाम लिखना है। तो दोस्तों ये तिलसुम आप किसी भी स्याही से लिख सकते हैं, काला पेन, काला पॉइंटर या फिर काला बाल पेन से आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद दोस्तों आपने करना ये है कि इसी अंडे को लेकर तंदूर के अंदर दफन कर दें या फिर अपने चूल्हे के नीचे दफन कर दें। दफन ऐसे कर दें कि ये जलना नहीं चाहिए, ये जल कर पट ना जाए और इसको बस सिर्फ हरारत देना है और इसको गर्माइश लगनी चाहिए। तो दोस्तों इस अमल को करने के बाद 3 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर आपका महबूब बेकरार होकर हाजिर हो जाएगा। बहुत ही मुजरब अमल है, इस अमल से इस तिलसुम से आप फ़ायदा उठाएं। जो लोग अमलियात बहुत सारे हुब के या मोहब्बत के अमल कर चुके हैं और वो नाकाम हो चुके हैं तो मेरा ये अमल एक बार ज़रूर आज़माएं। तो दोस्तों इस अमल से आप फ़ायदा उठाएं और मेरा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मेरा ये अमल की इजाज़त आम है, हर कोई कर सकता है, मैं हर अपने अमल की इजाज़त दे देता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में इजाज़त मांग रहे होते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर कोई बात पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्द अज जल्द आप लोगों के जवाब सवालों के जवाब दे सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।